नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दागर। किसान मित्रों, ऊटी का सीजन चल रहा है और काफी सारे किसान मित्र जो हैं, लहसुन वाले जो किसान हैं, उनके बहुत सारे कॉमन सवाल है। तो दोस्तों, उनके कॉमन सवाल जो है मेरे लिए भी एक दुविधा बनकर रह गए हैं। तो दोस्तों, काफी सारे किसान मित्र मुझे ये कॉल करते हैं, भैया लहसुन का जो बीज है वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो क्या हम इस भाव में अगर लहसुन का बीज खरीदते हैं और उसको हम लगाते हैं तो क्या हमें वो वर्थ होगा, मतलब क्या वो हमें फायदा देगा, हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात है, मेरा ओपिनियन समझ लीजिए और उसके बाद अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा ये सवाल है कि बीज बहुत महंगा है और लहसुन, अब सोचिए दलोदा मंडी के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ रही है, पिछले साल से 2 गुना जो सीड है वो लहसुन का जो बिक रहा है, और वहाँ पर भी 1.5-2 गुना था और वो बिक रहा है और वो लगेगा, मतलब यहाँ आया है यहाँ पर बिका है मतलब लगेगा। और दोस्तों, एक छोटा सा ये है कि लहसुन जो है, मैं अपन काफ़ी सारे किसान मित्र मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ किसान एग्री नहीं करेंगे, तो दोस्तों मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और दोस्तों, एक छोटा सा ये है कि लहसुन जो है वो आज तक उसका जो ग्राफ है वो कभी भी सीधा नहीं चला है, वो कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि आपने खुराना जी से मुँह से सुना होगा, ये सफ़ेद हाथी है, अगर ये चलता है तो किसी का बाप इसको रोक नहीं सकता, अगर ये बैठ जाता है तो इसको कोई उठा भी नहीं सकता। मतलब लहसुन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मेरे मुंह से अगर आप सीधे मुंह सुने तो ये एक प्रकार का लीगल सट्टा है, आप इसको एक सट्टे का रूप दे सकते हैं। बस ये है कि इसमें पुलिस वाले ही नहीं पकड़ते हैं, लगे तो लगे ना भी लगे। और लहसुन का भाव कभी भी हर साल नहीं मिलता है और पूरा डिमांड सप्लाई का खेल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लहसुन के दम पर ज़मीनें खरीद ली है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़मीनें भी बिक चुकी हैं लहसुन के चक्कर में। और लहसुन और प्याज मेरे हिसाब से कम्प्लीटली लीगल सट्टा है, बस पुलिस वाले हैं इसमें नहीं पकड़ते। सट्टा लगाओ तो पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे, भैया लहसुन मेरे हिसाब से लीगल सट्टा है। तो आप अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। बहुत बार मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है कि किसान बहुत मात्रा में लहसुन लगा देते हैं और उनका हिसाब भी नहीं मिलता है, महंगा बीज। अब इसके अंदर आपको खर्चा भी करना पड़ेगा हाथों से, अब बीज आपका महंगा है, इसके अलावा फिर आपको फर्टिलाइज़र यहाँ पर देना है। बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो लीज पर लेकर जमीन की खेती लहसुन की खेती करते हैं, लीज का अलग है, मजदूर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और क्या भरोसा है कि लहसुन का रेट मिल जाए। तो ये है कि भैया 50-50 चांस है। और एक और जो गार्ड है दलोदा मंडी के, उनकी बात सुनिए, मतलब दलोदा मंडी के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो ऊटी किसान लहसुन खरीदने के लिए आ रहे हैं, ऊटी वाले किसान लहसुन बीज लेने आ रहे हैं, आपने देखा होगा रविवार के अंदर, बुधवार के अंदर, खास करके बुधवार के अंदर पूरी दलोदा मंडी का जो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वो एक दिन मेरे से एक छोटी सी बात कहते हैं कि बोले जैसे धक्के दे दे के आप अंदर घुस रहे हो ना और जैसे धक्के दे दे के आप बाहर जा रहे हो ना, ऐसे ही आपको लहसुन बेचने के लिए भी धक्के दे देकर ही अंदर घुसना है और धक्के दे देकर ही माल बेचकर जाना है। तो उनकी बहुत गहरी बात है कि जितना बीज बिक रहा है उतना वापस मंडी में रिटर्न आना भी है। तो मैं एक ये कि ये सत्य है कि जितना बिक रहा है उतना रिटर्न आएगा भी। अब कोई ये सोचिए कि इतना बीज बिकेगा तो क्या उसको घर पर कोई व्यक्ति किसान है जो अचार डालने के लिए तो लेके जा नहीं रहा है, वो वापस मंडी में आएगा। और इस साल बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए भाव रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि हर किसान कमाए। कुछ किसान मेरे मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं। दोस्तों, एक अगेती खेती जो होती है वो थोड़ी रिस्की हो जाए, कब हो जाती है कि बारिश बहुत जल्दी चले जाए, मतलब आप समझिए कि अभी चल रहा है अगस्त और सितंबर में, जैसे ही सोयाबीन पकने वाले होते हैं और उसके सोयाबीन पकने के 10-12 दिन पहले ही बारिश रुक जाए और बारिश चले जाए, खूबे हमारे फूल हो जाए, है ना, और उसके जस्ट बाद सोयाबीन काटने के जस्ट बाद बिल्कुल भी बारिश ना हो या सोयाबीन काटते समय बिल्कुल भी बारिश ना हो, तो क्या होता है कि अगेती और पछेती लहसुन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह जाती, लगभग दोनों साथ में ही हो जाते हैं, मतलब दोनों के बीच में 10-12-15 दिन की गैप रहती है। अगर दोस्तों ऐसा होता है कि 1 अक्टूबर के बाद में, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में भयंकर तेज वाली बारिश हो जाती है, भयंकर तेज वाली ऐसी बारिश कि खेत भर जाए, खेत बिल्कुल 10-12 दिन के लिए हाँकने लायक ना बचे, और पिछेती वाली जो लहसुन है जो बाद में सोयाबीन के बाद में लगेगी वो लगने में लेट हो जाए, तो अगेती वाले जो किसान हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चांस बनता है। अभी आप देख रहे हैं लहसुन के अंदर शॉर्टेज है, तेजी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सच बात है कि ये साल है जो वर्तमान, जो अभी साल चल रहा है, ये लहसुन किसानों के लिए स्वर्णिम साल रहेगा। ये जो भाव हैं ये किसानों को बहुत लंबे समय बाद आगे आने वाले समय में कब देखने को मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला साल ऐसा साल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे से काफ़ी सारे किसान मित्र मिलते हैं, वो उनका ये है कि बस अब लहसुन ही लगाना है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपना कोई
कारीगर का काम कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मेरे को मिले भी हैं, नाम नहीं बता सकता, वो उनका मिस्त्री बने का काम है और वो व्यक्ति लहसुन खरीद के वो ठेकेदारी का काम छोड़कर वो लहसुन लगाने आ रहा है। दोस्तों नए प्लेयर काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे नए लोग लहसुन की खेती में आए हैं और क्षेत्र भी जो है वो बड़ा है, क्योंकि लहसुन के अंदर पिछले 2 साल में जो प्रॉफिट बना है वो दूसरी अन्य किसी फसल में नहीं बन सकता। गेहूँ, चने और हमारे सोयाबीन में तो नामे भी नहीं पलट रहे, तो ये बड़ी थोड़ा रिस्क फैक्टर है, तो आप अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। मेरा जो अपना ओपिनियन है मैंने बता दिया है। अब दूसरा सवाल ये है कि भैया आप कितनी लगा रहे हैं। भैया मैंने पिछले बार 5 बीघे की लगाई थी, इस बार मैं 4 बीघा की जो है अगेती ऊटी लगा रहा हूँ। मैंने बीज ले लिया है और वो घर पर सूख रहा है, पिछले 3 हफ्ते हो गए हैं। एक और तीसरा किसान मित्रों का सवाल है, भैया हमें अगेती लहसुन लगानी है तो हमें बीज कब खरीदना चाहिए। भैया एक छोटा सा ऊटी के लिए ये कॉन्सेप्ट है, जिस दिन से आप बीज खरीदते हैं उसी दिन से आपके यहाँ पर लहसुन लगने की शुरुआत हो जाती है। ऊटी लहसुन का जो पूरा खेत लहसुन जो है वो गीला आता है, उसको जितना सुखाते हैं उतना फास्ट उगता है। मतलब आपने अगर आपने 20 जुलाई को बीज ले लिया, अगर आप उसको लेट भी लगाते हैं और वो आपके घर पर भी पड़ा है तो उसके काउंटिंग चालू है, मतलब वो आपके खेत में लग ही चुका है। अगर आप उसको लगाएंगे तो तुरंत उग जाएगा, तो ये थोड़ा होता है, आप तुरंत लेके तुरंत लगा के उसको तुरंत उगा नहीं सकते हैं, ये थोड़ा सा फैक्टर है। तो दोस्तों अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं और बीज लेने के बीच लेकर आपको बहुत सारा असमंजस है और आपको लगाना ही अगेती है, तो आप बीज ले सकते हैं, ये सही समय है। जितना लेट लेंगे आप उतना लेट होंगे, और जिन लोगों ने पहले ले लिया है वो अभी आपसे रेस में बहुत आगे दौड़ रहे हैं। तो ये कुछ ऑनेस्ट रिव्यू दें, हो सकता है कुछ किसान मित्र जो है वो मेरी बात से सहमत हो या ना हो। दोस्तों व्हाइट ऊटी और गुलाबी ऊटी के बीच में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दोस्तों व्हाइट ऊटी और गुलाबी ऊटी जो होती है ये कलर का एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि हमारा रियावन, यहाँ पर लहसुन अगर हम लगाते हैं तो कम्प्लीटली व्हाइट और चमकदार निकलता है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी जगह लगती है वो गुलाबी आती है, उसका पर्दा प्रॉपर नहीं आता, और होता है थोड़ा वेरिएशन हर जगह आता है। जैसे कि रियावन सिल्वर भी दूसरी जगह लगेगी तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। बट दोस्तों एक बात ये रहे कि गुलाबी और वाइट जो होती है, गुलाबी ऊटी जो होती है वो थोड़ी सी जल्दी आती है, और अगेती खेती करने वाले जितने भी किसान हैं वो गुलाबी ऊटी ही लगाते हैं। अब कुछ किसान मित्र कह रहे हैं कि भैया अभी गुलाबी आ रहा है या वाइट आ रहा है, तो दोस्तों 95-60 जो होता है वो 90 दिन में ही आता है, और जो 11-35 होता है वो 100 दिन के बाद में, 100-110 दिन में ही आता है। किसी में दम है कि 11-35 को 90 दिन में ला दें, और किसी में दम है कि वो 95-60 को 11-35 तक सर्वाइव करा पाए। तो दोस्तों गुलाबी जल्दी आएगी तो वो अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वाइट जो है वो थोड़ी लेट आएगी तो अभी मार्केट के अंदर आने वाली है, 1-2 हफ्ते में आ जाएगी। तो व्हाइट ऊटी के लिए बुकिंग उपलब्ध है। व्हाइट ऊटी जो होती है वो हमेशा थोड़ी लेट आती है, और वो थोड़े जो प्लेन वाले एरिया होते हैं ना ऊटी के अंदर, वहाँ से निकल के जो माल आता है वो व्हाइट होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन सवाल, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है कि लहसुन जो है वो एक प्रकार का निकल सकता है, आप अपने विवेक से फैसला लें, थोड़ा कम लगाएं। आपने पिछले 2 साल देखे हैं, जिन किसान मित्रों ने कम लहसुन लगाया उन्होंने बराबर बहुत अच्छा पैसा बनाया है, ज़्यादा वालों ने भी बराबर पैसा बनाया है। अगर हम कम लहसुन लगाकर अगर अच्छा पैसा बना पा रहे हैं तो हम ज़्यादा भी लहसुन लगाएंगे अगर सेम पैसा बनेगा तो नुकसान कहीं ना कहीं हमारा ही है, हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी। अगर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि हर व्यक्ति इस साल जितना लहसुन लगाया उतना ही लगाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने एरिया को एक्सपांड ना करें, इससे आपका और साथी किसान दोनों का नुकसान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।